फिर बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर स्क्यूनेस लेसन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने इसके रूल्स सीखे थे, तो आज से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट स्क्यूनेस, यानी विषमता की गणना करनी है। तो इसमें आपको एक एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, तो जब एक्स और एफ दो चीजें आपके पास हो तो वो आपके खंडित श्रेणी कहलाती है, डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। तो यहां पे लिख दें, तो डिस्क्रीट सीरीज का ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एक्स और एफ दिया हुआ है तो इसको अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो स्क्यूनेस होता है उसको हम एस के शब्द से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस जेड, और दूसरा होता है आपका जे। जे का मतलब जब आपको कॉफिशियंट कैलकुलेट करना होता है तो आप जे कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसमें दोनों ही करेंगे। उसका फॉर्मूला होगा एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड एरर। यानी आप लोगों को इसमें दो फॉर्मूले कैलकुलेट करने हैं, और दो फॉर्मूलों के लिए अगर मैं आपसे ये कहूं तो हमें एक्स बार कैलकुलेट करना है, जेड कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। ये तीन चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है। सही चल रहा है बच्चों? अब कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहला काम, आप एक्स लिखें और एफ लिखें, इनको आप वापस दोबारा से एक बार लिख लें। तो लिखते हैं, बोलना बच्चों क्या है। 14.5, 15.5, 16.5, 17.5, 18.5, 19.5, 20.5, 21.5, 21.5, ये एक्स हो गया। अब अपने को एफ भी दिया हुआ है, बोलना। 35, 40, 48, 100, 120, 5, 87, 43, 22, टोटल लगा लें इसकी 500। तो बच्चों हमने क्वेश्चन वापस लिख लिया है। अब हमें तीन कैलकुलेशन करनी है, एक्स बार, जेड और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले x दिया हुआ है, हम कैलकुलेट करेंगे dx। क्या कैलकुलेट करना है? dx का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम x, और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस a। क्या होता है? x माइनस a। x कौन है? ये सारी संख्याएं x हैं, और a कौन है? इन्हीं संख्याओं में से कोई एक संख्या को हमें एज्यूम्ड मीन कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको a मान लेते हैं। किसको? 17.5 को हमने ए मान लिया। तो अब ये जितनी भी संख्याएं हैं उन सब में से 17.5 घटाना है। तो इधर बोर्ड पे देखे बटो बच्चा एक बार, 17.5 में से 17.5 पहले इसी में से घटा दो ताकि यहां जीरो लिख सके, सबसे आसान। अब इससे ऊपर छोटी संख्याएं हैं तो -1, -2, -3, सही है। नीचे प्लस की बड़ी संख्याएं हैं इसलिए 1, 2, 3 और 4, ये आपका डीएक्स हो गया। डीएक्स के बाद में आपको अगला लेना होता है एफ डी एक्स। क्या लेना होता है? एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स के लिए देखो, ये एफ है, ये डीएक्स है, इन दोनों की गुणा करवानी है। तो 35 मल्टीप्लाई विद 3 कितना? माइनस का 105, और 40 × 2 माइनस का 80, 48 × 1 माइनस का 48, 0 यहां तक हो गया, फिर 125, 174, 3 की 43 से गुणा, 129 और 88, इसकी टोटल लगानी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, इसकी टोटल आती है 283, ठीक है।
अब इसके बाद में आपको अगला कॉलम लेना होता है एफ डी एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए स्क्वायर करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, देखो इन दोनों की गुणा करवानी है। किस किस की? इसकी इससे। क्यों? क्योंकि dx यहां पे है, dx यहां पे भी है, तो dx का स्क्वायर हो जाएगा और f है ही है, तो इन दोनों की गुणा करवा दो तो करेंगे कितना आता है, प्लस का हो जाएगा है ना, 315 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है, 80 इंटू दो 160, 48, 0, 125, 348, 387 और 88 इंटू 4 352। इसकी भी टोटल लगानी पड़ेगी तो इसकी टोटल आती है 1735। हो गया बच्चों, टेबल के नाम पे अपने को इतना ही करना है, इसमें आसान है। अब आपको सबसे पहले एक्स बार लेना है, तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ए बराबर हमने एज्यूम किया था 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स है 283 डिवाइड बाय सिग्मा एफ है 500। सॉल्व करें इसे, तो इसमें इसका भाग दे दो और जो आए उसमें उसको 17.5 में जोड़ देना, तो इसका भाग 17 या 18, 18.066। ये आपके एक्स बार का आंसर आ गया। दिया हुआ है क्या बच्चों? तो इसे आप और करके दो डिजिट में कन्वर्ट कर दोगे तो 18.07 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है ना, तो अगले में एक जुड़ जाएगा 18.07। ये एक्स बार हो गया। अब सेकंड कैलकुलेशन है जेड यानी मोड। तो मोड में बच्चों आपको क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज है ना, खंडित श्रेणी, उसमें बस सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो ढूंढना है। तो हमने ढूंढा कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 125 है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी तो वो 125 है, ये आंसर नहीं है। इसके सामने जो होता है ये Z है, तो यहां पे आप Z इज इक्वल टू लिख दो 18.5। आंसर दिया हुआ है बच्चों, तो ये सीधा ही कैलकुलेट हो जाएगा। यहां पे ये इंस्पेक्शन मेथड हो गया, निरीक्षण विधि हो गया। निरीक्षण विधि मतलब अपने को खाली देखना है और देखकर आंसर बताना है। तो हमने देखा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो, उसके सामने जो एक्स है वो आंसर होगा, कोई दिक्कत है बच्चों? अब इसके बाद में थर्ड कैलकुलेशन आती है एस डी, जिसका सिंबल होता है आधा न। तो एस डी के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो अप्लाई करना है इसको, तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर है 1735, एन का मतलब फ्रीक्वेंसी की टोटल से होता है तो वो 500 माइनस 283 अपॉन 500 का स्क्वायर करना है। अब आप इसे और सॉल्व करें, इसका इसमें भाग दें कितना आता है बच्चों, 3.47 माइनस। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया पहले आप इसमें भाग दें, फिर बराबर दबाएं, फिर इंटू दबाएं, फिर बराबर दबाएं, 0.320। इसमें से इसको घटा दो, घटाकर बराबर दबाना है, फिर अंडर रूट दबा दो, आंसर आ जाएगा 1.77। आंसर दिया हुआ है बच्चों किताब में, ये आपका आंसर हो गया। ये तीन बेसिक कैलकुलेशन थी, ये हमने पहले भी चैप्टर में कैलकुलेट की है, यहां तक का काम हमारे लिए नया है ही नहीं क्योंकि हम इससे पहले काफी सवाल इस पे कर चुके हैं। अब आता है इस चैप्टर में क्या पूछा था,
तो इस चैप्टर में आपसे पूछा गया था SK, जिसका फॉर्मूला होता है x बार माइनस जेड। तो x बार हमने कितना कैलकुलेट किया, 18.07, माइनस जेड कितना था, 18.5। तो लेस करने पर माइनस का आएगा 0.43 माइनस का, यानी विषमता नेगेटिव है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, क्या चीज, नेगेटिव स्क्यूनेस है। नेगेटिव स्क्यूनेस है, सही है। अब अपने को कैलकुलेट करना है जे, जिसका मतलब होता है कॉफिशियंट। तो कॉफिशियंट का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस जेड, ये तो है ही है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमने लिखा 18.07 माइनस 18.5 डिवाइड बाय SD कितना है, 1.77। सॉल्व करेंगे इसे, माइनस में आएगा ये भी, 0.24, ये आपका आंसर, ठीक है। ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों, किस किस को समझ में आया हाथों पे करें, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसको हम कहते हैं जे कैलकुलेट करना है, बेस्ड ऑन मीडियन यानी एम के बेस पर इस बार सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में SK का फॉर्मूला लेना होगा। तो SK का फॉर्मूला होता है 3 एक्स बार माइनस एम, ये तो SK का फॉर्मूला हो गया, और J का फॉर्मूला हो जाता है 3 एक्स बार माइनस एम, मीडियन के बेस पे लेना है ना, इसलिए अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब ये दो फॉर्मूलों के लिए हमें एक्स बार चाहिए, एम चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए कैसे होता है। सेंट्रल वैल्यू का मतलब होता है मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू को ही हम एक्स कहते हैं, ठीक। और क्या दे रखा है, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें दे रखी हैं। सेंट्रल वैल्यू दे रखी है, तो इससे हमें ग्रुप बनाना है, क्या बनाना है, ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप बनाने के बाद में फ्रीक्वेंसी दे ही रखी है, तो इसके बेस पर हमें ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लिखो एक्स यानी मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू बोलना कितना है बच्चों, 5, 10, 15, 20, 25, 30, लास्ट है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम ये जो मिड वैल्यू दे रखी है उससे ग्रुप बनाएंगे, तो यहां पे आप लिखो ग्रुप, ग्रुप यानी जिसको हम एक्स कहते हैं। ग्रुप बनाने का तरीका सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, सबसे पहले इन दोनों का गैप देखना है, तो 5 और 10 का जो इंटरवेल है वो 5 आया, ठीक है। इस इंटरवेल को आधा करो यानी 2 से भाग दे दो, तो ये 2 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस 2.5 को इसमें से एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है, तो 5 में से आप घटाओगे 2.5 तो कितना आता है, 2.5, और 5 में 2.5 जोड़ोगे तो आएगा 7.5। सुनना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन दोनों का गैप लिया, गैप लेने के बाद आपके 2 से भाग दिया, तो 5 में 2 का भाग दिया, 2.5 आया, आधा 2.5। इस 2.5 को इसमें ही एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे, तो घटाने से तो आया आपका L1 और जोड़ने से आ गया L2, हो गया ग्रुप। अब इसी तरह से 10 में से घटाओगे तो आएगा 7.5, जोड़ोगे तो 12.5। तो अब अपने को ग्रुप मिल गया, इसी क्रम में चलते रहो, 12.5 से 17.5, 17.5 से 22.5, 22.5 से 27.5 और 27.5 से 32.5।
अब आप इसके बाद में लिखो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी है 33, 28, 25, 24, 20, 21। अब आप इसमें लेंगे मिड वैल्यू, जिसको हमने x कहा, तो यहां पे दी हुई है, दोबारा से कर लेते हैं, मुझे आलस नहीं, आप भी मत करो, सही है ना। तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब आपके x आने के बाद में अगला काम होता है dx, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस a, और आप इसमें एज्यूम कर लो 15 को, ये आपका a हो गया। अब इन सारी संख्याओं में से 15 घटाना है, तो 15 में से 15 घटा दो सबसे पहले 0। अब ऊपर छोटी संख्या है तो 10 में से 15 जाएगा माइनस 5, 5 में से 15 जाएगा माइनस 10, और नीचे 20 में से 15 गया 5, 25 में से 15 गया 10 और फिर 15 हो गया। ये dx हुआ। dx आने के बाद में अगला जो कॉलम होता है वो होता है d डैश x। जब इंटरवेल हो तो इंटरवेल होता है तो d डैश x आ जाता है, तो इंटरवेल कितने का है 5 का, तो इन सारी संख्याओं में 5 का भाग देना है, क्या देना है भाग देना है, तो 10 में 5 का भाग दिया तो माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3। इसके बाद में अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा एफ डी डैश एक्स, यानी आपको ये जो डी डैश एक्स आया इसकी गुणा एफ से करवानी है इस कॉलम से, तो इस कॉलम की गुणा इससे करवाएंगे। आप दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों तरफ अंगुली रखना, एक तरफ एफ पे एक तरफ डी डैश एक्स पे, ताकि गलती नहीं हो। तो 33 × 2 माइनस का 66, माइनस का 28, 0, 24, 40, 63, टोटल लगाना पड़ेगा। फिर लास्ट कॉलम बनता है एफ डी डैश एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए बच्चों देखो, स्क्वायर इसी संख्या का स्क्वायर कभी नहीं करना है आपको, तो इन दोनों की गुणा करनी है, क्योंकि जो स्क्वायर लगा है ना वो dx पे लगा हुआ है, तो इन दोनों की गुणा कर दो बस आप। तो माइनस 2 इंटू माइनस 66 तो कितना होता है 132। प्यारे बच्चों इसकी टोटल आती है प्लस का 33। अब आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी एक्स स्क्वायर के लिए, तो 2 इंटू 66 132 होता है, फिर 28 इंटू 1 28, फिर 0, फिर 24, फिर 40 इंटू 2 80 और 63 इंटू 3 189। इसकी भी टोटल लगाएंगे, इसकी टोटल आती है 453, सही है। तो बच्चों ये टेबल तैयार हो गई। अब टेबल तैयार होने के बाद में अब अपना काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले x बार, तो इसका फॉर्मूला a प्लस सिग्मा f d डैश x अपॉन सिग्मा f इंटू आई। जब हम यहां पे ये जो डैश शब्द लगाते हैं इसका मतलब इंटरवल से गुणा करनी है। तो a बराबर हमने एज्यूम किया 15, प्लस f d डैश x कितना है 33, सिग्मा f इस फ्रीक्वेंसी की टोटल यहां पे लगा देते हैं तो टोटल आती है 151। तो 151 से भाग दे देंगे, इंटू इंटरवल कितने का है 5 का। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए इससे गुणा करो, इसका भाग दो, फिर 15 जोड़ दो। ये काम आप बीकॉम में कैलकुलेटर से कर सकते हैं। कितना हुआ 16.09, ये आपका इसका आंसर होगा। एक्स बार के बाद में अब अपने को एम लेना है, तो पहले स्मॉल एम, एम यानी मीडियन, ये तो था मीन, ये हो गया मीडियन। तो m के लिए पहले स्मॉल m, तो उसका फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 th। तो n कितना है 151 अपॉन 2 70 th, 75.5 th।
अब इसको हमें सीएफ में देखना है, और सीएफ में इससे जस्ट बड़ी सीएफ कौन सी है। तो अब आप बोर्ड पे आओ, ऊपर देखो, सीएफ थी नहीं तो बना लेते हैं। तो यहां पे एक कॉलम और डाल दो सीएफ का। सीएफ में हम फ्रीक्वेंसी को जोड़कर लिखते हैं, तो सबसे पहले 33, इस 33 में 28 जोड़ो, कितना होता है 61, 61 में 25 86, 86 में 24 110, 110 में 20, 130 में 21, 121। अब अपने ये जो सी एफ आई, इसमें कौन सी संख्या देखनी है, 75.5 से जस्ट बड़ी, तो 75 से जस्ट बड़ी ये 86 है, तो 86 हुआ ना। तो ये जो इसके सामने जो ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन करने पर ये जो 12.5 है प्यारे बच्चों, ये आपका L1 कहलाता है, ये जो फ्रीक्वेंसी 25 है ये F कहलाती है, और इस 86 से ऊपर ये जो है CF वो C कहलाती है। ये तीन चीजें अपने को M के लिए मार्क करनी होती है, पता है आप लोगों को सबको, ये पहले के वीडियो में हम कर चुके हैं। अब आप देखो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लेते हैं, L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल एम माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो L1 आपका कितना दे रखा है, 12.5 प्लस इंटरवल है 5, फ्रीक्वेंसी है 25, स्मॉल एम अभी हमने लिया 75.5, माइनस सी 61। ये जो हमने ऊपर मार्किंग करी थी वो सारी आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। इसका आंसर आता है 15.4। इसको आप कैलकुलेटर पे करना है तो आप क्या करेंगे, 7.5 में से 61 घटाएंगे, जो आएगा उसको 5 से गुणा करेंगे, वो जो आएगा उसमें 25 का भाग दे देंगे, और वो जो आएगा उसमें 12.5 जोड़ देंगे। कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व करते हो तो पीछे से शुरू होगा, तो एम भी हो गया। अब आपका अगला जो सॉल्यूशन है वो है SD, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो SD का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो SD का फॉर्मूला है सिग्मा FD डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा FD डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इनटू में यहां पे बाहर की तरफ इंटरवल कर देंगे। ये भी तब होता है जब हम यहां पे डैश लेते हैं, सही है ना, तो ये इस तरीके से हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, इंटरवल आपको कितने का दे रखा है, 5 का। FDX स्क्वायर कितना निकाला था, 453 अपॉन 151 माइनस FDX कितना है, 33/151 का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करने के लिए 5 तो बाहर रखें, इसमें इसका भाग दे कितना आता है, पूरा पूरा 3 आता है, माइनस इसमें आपको 33 में 151 का भाग देना है, फिर बराबर दबाना है, फिर इनटू दबाना है, फिर बराबर दबाना है, तो स्क्वायर हो जाएगा कितना आता है, 047। अब आपको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा कैलकुलेटर पे लेना है, 3 में से 0.047 घटाओ, फिर बराबर दबाना है, फिर अंडर रूट दबाना है, जो आए उसको सीधा 3-5 से गुणा और कर दो, तो सीधा आंसर है कितना, 8.59 या 8.6, सही है। किताब में 8.6 दिया हुआ था इसलिए मैंने 8.6 लिख दिया, बाकी दोनों एक ही बात है, 5.9 को हम 6 कर सकते हैं। अब आगे, अब अपना जो मेन प्रश्न था वो क्या था कि हम कैलकुलेट करें SK। तो SK का फॉर्मूला आपको लगाना है 3 x bar माइनस m, ये फॉर्मूला लगाना है। तो 3 बाहर लिखेंगे, x बार कितना हमने कैलकुलेट किया, 16.09 माइनस m है 8.6, कितना है,
15.4। अब इसे सॉल्व करें, आंसर कितना आता है 16.09। में से 15.4 कैलकुलेटर पे घटा के 3 से गुणा कर दो, कितना आता है 2.07। ये आपके एसके का फॉर्मूला हो गया। एसके के बाद में अब जो मेन प्रश्न हमसे पूछा गया वो ले लेते हैं, वो है जे। तो जे का फॉर्मूला यानी कॉफिशियंट जिसको हम बोलते हैं गुणांक, तो वो हो जाएगा 3 x bar - m/standard deviation। तो 2.07 तो अपने पास पहले से ही है, ये सॉल्व किया हुआ है ना, नीचे बस डिवाइड में अपने को क्या लिख देना है 8.6। तो आंसर आता है 0.24, इसको ऐसा बोला करो, तो ये आपका आंसर हो गया। दिया हुआ है किताब में आंसर, बस इतना ही सवाल था। किस किस को समझ में आया हाथों पे करें, सही है। फिर बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आरबीडी बुक से है। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मीडियन। इसमें दिया हुआ है मार्क्स अबव, ये अंडरलाइन कर लेना, यानी मोर देन का क्वेश्चन दिया हुआ है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये एफ हो गया, ये एक्स हो गया। चूंकि मोर देन में दिया हुआ है इसका मतलब हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, और ये एफ नहीं हो के ये क्या हो जाएगी, सी एफ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, सी एफ हो जाएगी। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे पहले अपने को ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ग्रुप बनाने के लिए देखो मार्क्स क्या लिखा है, अबो यानी मोर देन, तो मोर देन जीरो, तो मोर देन के साथ एल वन होता है, क्या होता है एल वन। तो हमें एल वन और एल टू दोनों चाहिए ग्रुप बनाने के लिए, तो एल वन तो जीरो हो गया, तो एल टू कितना होगा, तो गैप कितने का है 10 का, तो एल टू हो गया 10। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और या 80 से 90 तक चलेगा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, ये आपका ग्रुप हो गया। अब देखो बच्चों ये जो सी एफ है ना, ये सी एफ से एफ बनाना पड़ेगा। तो सी एफ से एफ बनाने का तरीका बच्चों इधर से शुरू होता है, जो सबसे छोटी है ना वो तो यहां लिख दो जीरो, जहां थी वहीं पे, 80 के नीचे थी तो 80 से 90 में लिख दे जीरो। अब आपको केवल घटाते हुए चलना है इसमें से, तो 14 में से जीरो गया 14, नीचे की तरफ लिख रहा हूं, 30 में से 14 गया 16, 70 में से 30 गया 40, 80 में से 70 गया 10, 80 में से 80 गया 0, 100 में से 80 गया 20, 140 में से 100 गया 40 और 150 में से 140। बस पहले तो ये प्रश्न में हमने क्या किया है, सुधार किया है, ग्रुप और फ्रीक्वेंसी निकालना। तो ये कौन सी सीरीज होगी, कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हो गया। अब अपने को इसमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्स बार एम और स्टैंडर्ड डेविएशन, सही है ना। तो x बार कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मिड वैल्यू जिसको हम x कहेंगे, तो मिड वैल्यू 0 और 10 का आता है 5। अब चूंकि देखो 10 का गैप है ना, तो 10 10 बढ़ जाएगा, तो 10 5 15 25 35 45 55 65 75 और 85। अब उसके बाद में ये आपका मिड वैल्यू हुआ, यानी जिसको हम x कहते हैं, तो अगला कॉलम होगा dx। तो dx अब आप लोगों को अच्छे से याद हो गया है, x माइनस a करते हैं, तो यहां पे लिख दो x माइनस a, और एज्यूम कोई भी एक संख्या करनी है तो हम सेंटर में जो संख्या होती है उसको लेते हैं, तो 45, तो 45 को हमने a मान लिया, एज्यूम कर लिया। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सही है। तो 45 में से 45 किया 0, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30,
माइनस का 40। नीचे की तरफ आपके आ जाएगा 10 प्लस का, फिर 20, फिर 30, फिर 40। अब उसके बाद में क्या लेना है, अब जैसे यहां पे जैसे ये देखो बच्चों, एक चीज और देख लो, ये जीरो आ गया, तो आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करें और चाहे तो इस पे लाइन कर दें। ये ग्रुप को अपने को यूज करने की जरूरत नहीं है, याद रखना है ये बात। डीएक्स के बाद में आपका अगला कॉलम आता है डी डैश एक्स, यानी इसमें सब में 10 का भाग जाता है, इंटरवल 10 का है, तो 10 का भाग दे दो, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। अब उसके बाद में अगला कॉलम आता है एफ डी डैश एक्स, तो एफ डी डैश एक्स में आपको पता है एफ यानी फ्रीक्वेंसी की गुणा डी डैश एक्स से करानी है, यानी इस कॉलम की गुणा इस कॉलम से करानी है। तो करा दो गुणा, 10 इंटू 4 माइनस का 40 माइनस का 120 माइनस का 40 0 0 40 32 42 0, इसकी टोटल लगा लेना। फिर उसके बाद में अपने को लेना है एफ डी डैश एक्स स्क्वायर, और मैं फिर से कह रहा हूं स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर नहीं करना है, आपको इन दोनों की गुणा करनी है। तो -4 इंटू -40 तो 160, 12 120 इंटू 3 360, 40 इंटू 2 80, फिर 0 फिर 0 फिर 40 फिर 64, फिर 42 इंटू 3 126 और फिर 0। टोटल लगाएं दोनों की, माइनस का 86 और इसका 830। हो गया दोनों। अब ये टेबल तैयार होने के बाद में अब आपका काम वापस कैलकुलेशंस पे आता है। इसमें चूंकि एम कैलकुलेट करना है तो एक हाथों हाथ सीएफ और बना लो बच्चे, सीएफ हमेशा दोबारा से बनानी है, जो दी है उसको काम में नहीं लेना है। तो सीएफ ये रहा एफ, है ना, तो सबसे छोटे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 10 10 में 40 जोड़ेंगे, 50 50 में 20 जोड़ेंगे, 70 फिर आपके 0 जोड़ेंगे, 70 फिर 10 जोड़ेंगे, 80 फिर 40 जोड़ेंगे, 120 फिर 16 जोड़ेंगे, 136 फिर 14 जोड़ेंगे, 150 और फिर 0 जोड़ेंगे, 150। सही है। अब आप नोटिस तो कर चुके हैं कि अगर ये कॉलम हम यहाँ पे इसको नहीं रखते हैं तो भी सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है ना, तो आप इसे चाहे तो रिमूव कर दे चाहे तो रख ले। हो गया बच्चों सीएफ बनाना। अब हम सबसे पहली कैलकुलेशन एक ही करके हम यहां लेते हैं। सबसे पहले एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, और इधर मैं आपके ले लेता हूं स्मॉल एम एन अपॉन टू, तो ये आपके एन है, फ्रीक्वेंसी की टोटल 150 बट्टे 2 यानी 75 टीएच। इसे सॉल्व करें, इधर ए बराबर कितना लिया बच्चों हमने, 45 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स है माइनस का 86 अपॉन 150 इंटू इंटरवेल है 10। अब देखो ये प्लस और माइनस है ना, तो माइनस एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पे जो भी गणित आती है वो 45 में से घटाई जाएगी, तो आंसर कितना आता है 39.27। आंसर दिया हुआ है क्या बच्चों, इधर m है तो m के लिए हमने कहा कि कैपिटल m, इसका फॉर्मूला होता है l1 प्लस i अपॉन f स्मॉल m माइनस c, ये फॉर्मूला है। 75 से जस्ट बड़ी cf देखनी है तो देखें बोर्ड पर बच्चों, 75 से जस्ट बड़ी cf 80 है, तो 80 है तो इसको अंडरलाइन करो इस ग्रुप को, ये ऐसे अंडरलाइन कर दिया। ये 40 जो है वो L1 हो गया, ये 10 जो है वो F हो गया, और इससे ऊपर ये जो है वो C हो गया। तीनों चीजें मार्क करनी है,
L1 40, F 10 और C 70। अब सॉल्व करें इसे। तो M बराबर L1 कितना है, 40 प्लस इंटरवल 10 अपॉन F कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10, स्मॉल m 75 माइनस c कितना है 70। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको घटाएं, 5 5 इंटू 10 50, 50 में 10 का भाग दिया तो 5, 5 को 40 में जोड़ा तो 45, ये आपका m भी आ गया, सही है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूला आप लिखें इसमें, इंटरवल बाहर की तरफ सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें इंटरवल है कितना 10 का, अब इंटरवल 10 का है तो सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर कितना लिया हमने, 830 अपॉन इंटर एन कितना है टोटल 150 माइनस, माइनस का कितना था, माइनस का था ना, अपॉन 150 का स्क्वायर। अब देखो ये जो माइनस है ना, इसका कोई यूज नहीं है, आप चाहे तो इसको क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर होते ही माइनस हट जाता है। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसमें इसका भाग दो तो 10 बाहर और अंडर रूट में आपके आएगा 5.53 माइनस, इसमें मैंने कहा आप माइनस को इग्नोर कर दो, भूल जाओ, 86 अपॉन 150 बराबर इनटू बराबर करना है 0.57, सही है। अच्छा 0.328 सही है। अब आप इसे पूरा सॉल्व कर दें, इसमें से इसको घटा दें, अंडर रूट करें और फिर 10 से गुणा कर दें। बराबर का बटन जरूर दबाना है, यानी इसमें से इसको घटाने के बाद में बराबर जरूर दबाना है। कितना आता है आंसर, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया 81। अब आपका लास्ट फॉर्मूला रहता है जे, तो जे का फॉर्मूला हो जाएगा 3 एक्स बार माइनस एम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो बच्चों जे कैलकुलेट करने के लिए हमने जे यानी कॉफिशियंट हो गया 3, ब्रैकेट में एक्स बार कितना है 30.27 माइनस एम कितना है 45 अपॉन 22.81। अब जे ही पूछा है तो केवल जे कैलकुलेट करेंगे, इसमें से इसको घटाओ और 3 से गुणा कर दो, माइनस में आएगा पहली बात, 45 में से 19 गया, उसको 3 से गुणा करना है 17.19 अपॉन 22.81, भाग देने पर माइनस का आएगा 0.75, माइनस का 0.75 आंसर दिया हुआ है बच्चों, बस इतना ही सवाल है बच्चों, कोफिशिएंट कैलकुलेट हो गया। और ये आपके नेगेटिव स्क्यूनेस है, सही है ना। तो बच्चों आज हमने 3 सवाल किए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, देखें आगे अगली क्लास में।